मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेहद ही खूबसूरत प्लांट एक्सोरा के बारे में। और अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया हुआ था कैलेंचोए पे, तो जिसमें बंचेज में फ्लावर आते थे, तो ठीक उसी तरह इस प्लांट में भी जो फ्लावर्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा बंचेज में आते हैं, जो कि देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। और इसमें कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, आपको रेड मिल जाएगा, पिंक मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, हल्का सा ऑरेंज मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा। तो आप मनचाहा कलर आप जाके परचेस कर सकते हैं। काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसमें जो फ्लावर्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा बंचेज में आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बंच में आया हुआ है। जितने भी इसमें ब्रांच होती हैं सारी ब्रांचों में इसमें फ्लावर का पूरा बंच बाहर निकल के आता है। तो इसे जंगल फ्लेम बोलते हैं, एक्सोरा बोलते हैं और इसे वेस्ट इंडियन जैस्मिन भी बोला जाता है। तो आप जा करके अपने नर्सरी वाले से एक्सोरा बोलेंगे तो वो समझ जाएगा आपको कौन सा प्लांट चाहिए। तो आप इस समय अगर आप जाते हैं नर्सरी में तो इस समय तो काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है नर्सरी में, और जा करके आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें कलर ऑप्शन तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल ही जाता है, साथ ही साथ इसमें साइज ऑप्शन भी मिल जाता है। ये मेरा बड़ा एक्सोरा था और ये मेरा छोटा वाला एक्सोरा है, जिसमें जिसका प्लांट थोड़ा सा बूसी होता है इसकी अपेक्षा, और इसकी पत्तियाँ छोटी होती हैं, फ्लावर्स भी छोटे होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बूसी होता है। और एक्सोरा में ख़ास बात ये होती है, अगर इसकी ठीक से केयर की जाए तो हर ब्रांच में इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं, जितनी भी इसमें ब्रांचेज हैं, देखिए ये आपको फ्लावर दिख रहा होगा, ये आज कल में खिल जाएगा, फ्लावर बर्ड है। आप जितनी ब्रांचेस देख रहे हैं आप सब ब्रांच में आपको फ्लावर बर्ड्स भरे पड़े हैं, जितनी छोटी ब्रांचेस हैं उनमें फ्लावर बर्ड्स आ रहे हैं। तो जितनी ब्रांचेस होती हैं इसमें सारे में फ्लावरिंग बर्ड्स आते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांच होती है। तो ये प्लांट थोड़ा सा छोटा होता है साइज में, और लेकिन काफ़ी ज़्यादा बूसी होने के साथ साथ फ्लावर्स भी काफ़ी आते हैं। ये मेरा एक और एक्सोरा है, एक्सोरा की एक वेराइटी और है, ये दोनों के बीच में होता है, मतलब कि ये ना तो ज़्यादा बड़ा होता है ना तो ज़्यादा छोटा होता है। इसका कलर मुझे याद नहीं है, मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया हुआ था, मैंने एक फ्रेंड के यहाँ से कटिंग लेके आई थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कलर के साथ, इसका ऑरेंज है इसका भी। और इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल तीनों की पत्तियाँ भी अलग हैं, फ्लावर के साइज़ भी अलग हैं, प्लांट का साइज़ भी अलग है, लेकिन तीनों एक्सोरा हैं और तीनों में बंचेज में ही फ्लावर आते हैं। आप देखिए तीनों के साइज देख सकते हैं, मतलब कि पत्तियों के साइज आप देख सकते हैं, तीनों में पत्तियों के साइज अलग अलग है। तो तीनों ही प्लांट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, आप मनचाहा साइज मनचाहा कलर आज जा करके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आपको जहाँ भी लगाना हो अपने वहाँ की अपेक्षा ले आइए। अगर बात कर लें इसकी केयर की, तो इस प्लांट की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, ट्रॉपिकल एंड सेमी ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट कंडीशन में ये इजीली ग्रो कर जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा केयर के। इस तरह ये बंचेज में फ्लावर देता है। अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर कर देते हैं स्प्रिंग सीजन में, एक बार इसको आप प्रून कर दें उसके बाद अच्छे से फर्टिलाइजर दे देते हैं, तो उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यू ब्रांचेज निकलती हैं और हर ब्रांच में इसी तरह आपको बंचेज में फ्लावर मिलते हैं। सनलाइट इसे फुल चाहिए होती है अगर आप इसे ग्राउंड में लगाते हैं तो, अगर आप इसे पॉट में लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा गर्मियों वाली डायरेक्ट सनलाइट इसको दोपहर में बचानी होगी, खाली दोपहर में। अगर इसे प्रॉपर सनलाइट मिलती रहती है, प्रॉपर फर्टिलाइजर मिलता रहता है और प्रॉपर केयर मिलती रहती है, तो ये साल के 12 महीने आपको इसी तरह बंचेज में फ्लावर देगा। ठंडी में थोड़े से फ्लावर इसके कम हो जाते हैं, बाकी साल के 12 महीने आपको फ्लावर देगा। अगर आप ट्रॉपिकल कंडीशन में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है ठंडियों में, तो आपको ये साल के 12 महीने फूल देगा। सॉइल मीडिया की बात करें तो वेल ड्रेनेज वाली स्लाइटली एसिडिक सॉइल इसे पसंद है, इसको ज़्यादा सॉगी सॉइल पसंद नहीं है। पानी इसके पॉट में ज़्यादा देर खड़ा ना रहे और पीएच लेवल थोड़ा सा एसिडिक हो, स्लाइटली एसिडिक हो, बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो, स्लाइटली एसिडिक हो। इसके लिए आप इसमें मल्चिंग वगैरह कर सकते हैं, पाइन बार्क की मल्चिंग कर दें, राइस ब्रैन की मल्चिंग कर दें, या फिर आप इसमें मल्चिंग कर दें एस्फेग्नम मॉस की। अगर आप इस प्लांट को ग्राउंड में लगाते हैं तो ये 6 फीट तक लंबा हो सकता है। बात करें अगर इसकी प्रोपगेशन की, तो आप इसको कटिंग से, एयर लेयरिंग से, सीडलिंग से, तीनों मेथड से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग वाला मेथड थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है, वही ज़्यादा यूज किया जाता है इस प्लांट को प्रोपगेट करने के लिए। इंसेक्ट्स की बात करें तो ज़्यादा इंसेक्ट प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, नॉर्मली मैंने इस पर कभी भी ज़्यादा अटैक नहीं देखा हुआ है। स्पाइडर माइट्स और एफिड्स कभी कभी इस पर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, रेगुलर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें हर 10 से 15 दिन के टाइम इंटरवल में, तो आपके प्लांट को किसी भी तरह के इंसेक्ट्स अटैक नहीं करेंगे।
सिर्फ इसी प्लांट में नहीं, आप कोई भी प्लांट आपके पास हो, अगर आप उस पर रेगुलर बेसिस पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहते हैं तो प्लांट पे किसी भी तरह के कीड़ों का अटैक नहीं होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि इस पर आप रेगुलर बेस पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, क्योंकि नीम ऑयल कीड़ों को मारता नहीं, सिर्फ वो कीड़ों को भगाता है। अगर आपके प्लांट पे कीड़े अटैक कर दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में कीड़े ने आपके प्लांट को कवर कर दिया है, तो आप फिर नीम ऑयल को छोड़ करके कोई केमिकल पेस्टिसाइड ले लें। नीम ऑयल सिर्फ और सिर्फ कीड़ों को भगाता है, वो भी लगने से पहले। अगर आपके प्लांट पे कीड़ों ने अटैक कर दिया है तब आप नीम ऑयल को ना यूज़ करके आप कोई केमिकल पेस्टिसाइड ले सकते हैं। इस प्लांट की सॉइल को के ऊपर आप मल्चिंग कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिक मैटर की, तो जिससे आपके जो सॉइल है उसका मॉइस्चर भी तुरंत ख़त्म नहीं होने पाएगा, आपके सॉइल का मॉइस्चर ये मेंटेन रखेगा, जिससे आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा, आपकी सॉइल को जो है सौगी होने का खतरा कम रहेगा। क्योंकि जब आपके प्लांट में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तो आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा, तो ये टेंशन कम होगी कि आपका दिया हुआ पानी इसमें स्टोर हो गया हो। प्लस दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप मल्चिंग कर देते हैं तो आपके पॉट में किसी तरह के घास या फिर किसी तरह के अनजंगली चीज़ नहीं उगते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप मल्चिंग कर देते हैं किसी ऑर्गेनिक मैटर की, तो धीरे धीरे करके जब वो डिकम्पोज होता है तो धीरे धीरे करके आपकी सॉइल में, लेकिन किसी ऐसी चीज़ की मल्चिंग करें जो काफ़ी धीरे डिकम्पोज हो, जैसे कि राइस ब्रान हो गया, कुको हस्क हो गया, पाइन बार्क हो गया, या फिर मैंने इस फगनम मास की मल्चिंग की हुई है, तो आप इसकी भी मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये आपकी सॉइल को जो है स्लाइटली एसिडिक रखेगा, क्योंकि काफ़ी धीरे डिकम्पोज होता है, तो ये आपकी सॉइल में थोड़ा थोड़ा करके एसिड जो है मिलाता रहेगा, तो आपका जो सॉइल का पीएच लेवल है स्लाइटली एसिडिक रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस कर रहे हो जिसमें कुछ फ्लावर्स का कलर जो है इन सब फ्लावर की अपेक्षा हल्का सा हल्का है, थोड़ा सा इसमें कलर आपको कम दिख रहा होगा, तो ये आज ही मॉर्निंग में खिले हुए हैं, शाम तक इनका कलर भी इसी तरह हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब एक ही बंच में आपको दो कलर के फ्लावर मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे ही खूबसूरत है और उसमें खूबसूरती में और चार चांद लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये फ्लावर पसंद आया होगा, और इसको हल्की सी धूप, हल्की सी प्रूनिंग, हल्का सा फर्टिलाइजर देते रहें और इसी तरह बंच में फ्लावर लेते रहें। अगर आपको प्लांट पसंद आया तो इसे नर्सरी से ले आए, वीडियो पसंद आया तो अपनी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।